आज हम बात करने वाले हैं रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब के बारे में। क्या हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्या इसमें अच्छी तेजी आ सकती है, क्या मेटल सेक्टर में ये परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ये सारी डिटेल जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। अब एक बार इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो इसका करेंट प्राइस अभी 2080 के आसपास चल रहा है। इसका हाई और लो यहाँ पे दिखाया हुआ है। 1000 का इसका लो है लगभग और इसकी प्राइस इज टू अर्निंग 35 के पास में चल रही है। अब देख लेते हैं इसकी सेल्स एंड मार्जिन की फिगर। ये है रत्नामणि की सेल्स एंड मार्जिन की फिगर और ये 2006 से देख रहे हैं आप लोग, 2021 तक का ये फिगर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छी तेजी इसमें हमेशा सेल्स में देखी गई है, हमेशा इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही देखा गया है। सेल्स में बहुत कम छोटे छोटे डिप आए हैं और उसके बाद में फिर से इसने बाउंस किया है। अब देख लेते हैं इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ये ग्रीन वाली लाइन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4% के ऊपर ही इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन हमेशा रही है 2006 से लेकर अभी तक। और ये ऊपर वाली अगर मार्जिन देखेंगे तो 16% की मार्जिन के पास में इसका मैक्सिमम रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब सिंपल सा ये है, अगर 100 रुपये का कारोबार अगर कंपनी करती है तो इसमें कमा कितना रही है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है। तो यहाँ पे अगर 100 रुपये का कारोबार कंपनी करती है तो 4 से लेकर 16 रुपये के बीच में ये कंपनी कमा रही है, और अभी जो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 14-15 के आसपास चल रहा है, जो कि काफी अच्छा माना जा सकता है। अब इसको अगर पी के साथ इसके साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं ये अपने टॉप नंबर पे ही खड़ी है, सेकेंड नंबर पे खड़ी है। अभी श्याम मेटेलिक्स का आईपीओ लिस्ट हुआ था और श्याम मेटेलिक्स सबसे नंबर वन पे है और ये दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। तो रत्नामणि काफी अच्छे औहदे पे खड़ी है, काफी ऊपर में खड़ी है। यह रत्नामणि मेटल का डेली चार्ट और देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा कंसोलिडेशन इसमें चला है, बहुत दिनों तक इसने कंसोलिडेशन किया है। मार्च से लेकर अगस्त तक मतलब 5 महीने इसने एक कंसोलिडेशन फेज में ही गुजार दिए हैं। अब इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अप साइड की ब्रेकआउट दे और बहुत ही स्पीड से ऊपर चला जाए। अगर ये 3000 के आसपास ही पहुंच जाता है कुछ ही महीनों में तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। 1260-70 के लेवल पे मैंने इसे रिकमेंड किया था दिवाली के टाइम पे और उसके बाद में इसमें बहुत ही अच्छी तेजी आई है और ये अभी तेजी कंटिन्यू होने की पूरी हाई प्रोबेबिलिटी है। एक मेटल सेक्टर में बहुत ही अच्छी तेजी चल रही है। अभी ये एक चैनल में मूव कर रहा है और चैनल के अपर एंड को ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। यहाँ पे आप लोगों को अगर बाय करना है तो आपका स्टॉप लॉस 1800 के पास में बैठता है। तो ये स्टॉप लॉस मात्र 15% के आसपास ही है और जो गेन यहाँ पे हमें मिल सकते हैं वो लगभग डबल भी हो सकता है ये स्टॉक आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर। और ये मत सोचिएगा कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे है। 2000 का प्राइस आप लोगों को नहीं देखना है, आपको परसेंटेज रिटर्न से मतलब होना चाहिए। और इस स्टॉक में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं कैपिटल का, तो 20% अपना कैपिटल का आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।